वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड। वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में आज हम बात करेंगे और इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। उनसे मिनिमम बात करूं तो मैं 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस भी आपको वोकैब के रिलेटेड मिलते हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे इंग्लिश वोकैब से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को, और सारे जितने क्वेश्चंस होंगे वो सेलेक्टेड और रिपीटेडली पे गए होंगे। तो बेसिकली ये पूरा सेशन आपको DSSSB, KVS, NVS इन सभी टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ये सेशन आपका CTET, UPTET और अदर टेट्स में भी इक्वली हेल्प करने वाला है। इससे पहले इंग्लिश वोकेबलरी के 3 पार्ट्स मैं पहले चैनल पर करवा चुकी हूँ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो पूरी वीडियो देखिएगा। आज कुछ नया सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सीखेंगे। ऑल्सो इफ यू लाइक टूडेज वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज टू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट लेट स्टार्ट टूडेज क्लास। So the first question of today's session is select the most appropriate synonym of the given word sufficient। मतलब कि अब आपको यहाँ पर similar meaning बताना है किसके लिए, sufficient के लिए, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। सिनोनिम कौन से होते हैं, जो समानार्थी शब्द होते हैं। यहाँ पर हमें सफिशियंट दिया हुआ है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। मतलब कि जो सफिशियंट का सिमिलर मीनिंग होगा वो आप लोगों को पता करना है। तो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन 1 मिगर, जिसका मतलब अल्प या कह सकते हैं तुच्छ होता है। ऑप्शन 2 है स्कैंटी, जिसका मतलब भी अल्प कह सकते हैं या कह सकते हैं कम होता है। ऑप्शन 3 है एक्सेस, जिसका मतलब कि होता है अधिक मात्रा में या कह सकते हैं ज़्यादा। ऑप्शन 3 है एडिक्युएट, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सफिशियंट का सिनोनिम हमें बताना है, तो मिगर तो होगा नहीं क्योंकि ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 एडिक्युएट, जिसका मतलब होता है इनफ या पर्याप्त, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो सारे ही सफिशियंट के एंटोनिम्स हैं, मतलब कि उल्टे हैं। बाकी अगर आप लोग एक्सेस की तरफ जा रहे थे, जिसका मतलब अधिक होता है, तो यहाँ पर आपकी पर्याप्त ये सफिशियंट पूछा गया है, तो अधिक तो बहुत सफिशियंट से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो राइट ऑप्शन हमारा होगा नहीं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ स्नैग। मतलब यहाँ हमें एंटोनिम पता करना है किसका, स्नैग का। स्नैग का मतलब हमें पहले पता होगा जब इसका एंटोनिम मतलब कि उल्टा ढूंढ पाएंगे। तो स्नैग का मीनिंग होता है अटकने या कह सकते हैं परेशानियाँ। कोई भी जब ऑब्स्टिकल्स होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम स्नैग बोलेंगे। चलिए अब स्नैग का सिनोनिम तो हमने पता कर लिया, अब एंटोनिम पता करते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन 1 ग्लिच, ऑप्शन 2 बग, ऑप्शन 3 एड और ऑप्शन 3 है हर्डल। अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पर 10 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, आप लोगों के 10 में से कितने मार्क्स बनते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मान लीजिए अगर स्नैक का मीनिंग आप लोगों को पता भी नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, एक ही वर्ड के यहाँ पर सिनोनिम्स दिए हुए हैं, ग्लिच, बग और हर्डल का मतलब यही होता है कि या तो परेशानियाँ या किसी टाइप की रुकावट के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमसे पूछा गया है एंटोनिम, तो एंटोनिम इन सब का उल्टा ही तो होगा। तो सीधा सीधा यहाँ हमारा ऑप्शन 3 राइट है, मतलब एड, जिसका मतलब होता किसी प्रकार की मदद या सहायता या सहायक। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन 3 क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलीजेंस। मतलब यहाँ हमें पता लगाना है एंटोनिम किसका, जो गिवन वर्ड है डेलीजेंस। अब वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर पहले डेलीजेंस का हमें मीनिंग पता होना चाहिए, जब ही हम इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम पता लगा पाएंगे। तो डेलीजेंस का मतलब होता है किसी भी काम को लगन के साथ में करना या किसी भी काम को बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ या परिश्रम के साथ में करना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन 1 है एक्सर्शन, जिसका मतलब किसी प्रकार का तनाव या किसी प्रकार का खिंचाव।
ऑप्शन बी है लेथार्जी, जिसका मतलब होता है सुस्त या आलस्य। ऑप्शन सी है विगर, जिसका मतलब होता है ताकत या कह सकते हैं पावर। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की एसिडिटी, जिसका मतलब होता है परिश्रम मतलब हार्ड वर्क या कह सकते हैं रेडीनेस। तो डेलीजेंस का एंटोनिम मतलब कि उल्टा क्या होगा? अगर सीधा सीधा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी लेथार्जी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सुस्त यानी कि आलस्य। अब आप में से बहुत सारे लोग एग्जर्शन ऑप्शन की तरफ भी गए होंगे, क्योंकि जिसका मतलब होता है तनाव या कह सकते हैं खिंचाव। तो इसका राइट ऑप्शन एग्जर्शन भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पता लगाना है डेलीजेंस का, जो सूट बैठता है लेथार्जी पर भी। क्योंकि अगर परिश्रम का उल्टा यानी कि एंटोनिम पता करेंगे तो आलस्य या सुस्त की तरफ ही हम जाते हैं, तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अबैंडन ये बहुत ज़्यादा कॉमन और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसका सिनोनिम बताना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, अब अबैंडन का मतलब होता है त्यागा हुआ या कह सकते हैं छोड़ा हुआ। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन वन है डिसप्रेस्ड, ऑप्शन बी है डिसमिस्ड, ऑप्शन सी है डिस्कार्डेड, ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्कार्डेड, जिसका मतलब है बाहर किया हुआ या फिर छोड़ना। जैसे कि जब हम यूट्यूब पे कोई कमेंट कर रहे होते हैं वीडियो में, तो वहाँ पर अगर हम उस कमेंट को पूरा कंप्लीट नहीं करते तो वो पूछता है कि कीप राइटिंग रखनी है आप लोगों को या डिस्कार्ड कर देना है, मतलब कि आप इस कमेंट को करना नहीं चाहते, छोड़ देना चाहते। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ डिस्कार्ड का। तो हमारा जो अबैंडन्ड था उसका सिनोनिम एप्रोप्रिएट होगा डिस्कार्ड। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स डिस। मतलब कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो एंटोनिम ना हो, किसी वर्ड का एंटोनिम ना हो। किसके यूज़ में? जिसमें अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं डिस का, तो वो किसी वर्ड का एंटोनिम मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए। प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोग जानते ही हैं, प्रीफिक्स का जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो सफिक्स होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग जो वर्ड के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय जो वर्ड के किसी भी शब्द के लास्ट में लगते हैं, और उन्हें ऐड करने के बाद में मतलब हो जाते हैं उन वर्ड्स के चेंज। अब अगर डिस लगा दें हम वर्ड्स में, तो कौन सा शब्द एंटोनिम नहीं बनता, कौन सा शब्द विपरीत नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर वन है डिसइल्यूजन, अगर हम इसमें से डिस हटा देते हैं तो बचता है हमारे पास में इल्यूजन, तो ये तो हमारा राइट ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इल्यूजन का भी अपना एक मीनिंग है और अगर यहाँ डिस लगा दिया गया तो ये एंटोनिम बन गया इसका। बाकी बात करें ऑप्शन नंबर बी की डिस्पेंस, तो यहाँ पर डिस हटाने के बाद में पेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता। ऑप्शन सी की बात करें अगर प्लीज में भी डिस हटाएं तो प्लीज रह गया, तो वो डिसप्लीज लगाने के बाद हो गया उसका एंटोनिम। बात करें अगर ऑप्शन नंबर डी की डिसअपेयर, तो अगर डिसअपेयर में डिस हटा दिया बच गया अपेयर, जिसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ दिख रही है अपेयर है और उसमें डिस लगाने के बाद में अब वो चीज़ नहीं दिख रही, तो हमारा सीधा सीधा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डिस्पेंस। आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश करें इस टाइप के क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। उसके बाद में आपको इंग्लिश वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और सीरीज भी देखने को ज़रूर मिलेगी। और आज की क्लास अगर आप लोगों को अब तक पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सेलेक्ट दी सिनोनिम ऑफ टेंडर, यहाँ पर हमें सिनोनिम देखना है टेंडर वर्ड का, मतलब कि समानार्थी जो टेंडर हमारा वर्ड है उसका समानार्थी, उसका सिमिलर मीनिंग बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जेंटल, ऑप्शन नंबर 2 है रूड, ऑप्शन नंबर 3 है हार्ड हार्टेड, ऑप्शन नंबर डी है कोर्स। मुझे तो लगता नहीं आप इस क्वेश्चन में कुछ गलती करेंगे। टेंडर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोमल या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जेंटल, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप तीनों बाकी के ऑप्शंस देख रहे हैं रूड हार्ड हार्टेड कोर्स, यहाँ पर तीनों का एक ही मतलब है रूड, रूखा अड़ियल या कह सकते हैं कठोर दिल, लेकिन यहाँ पर हमें टेंडर मतलब कि सॉफ्ट का सिनोनिम पूछा है समानार्थी, तो उसका तो सीधा सीधा राइट ऑप्शन हमारा जेंटल ही होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम डिवाइन। डिवाइन का सिनोनिम मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम मतलब समानार्थी सिमिलर मीनिंग हमें पता करना है। अभी क्वेश्चन बड़ा सही है, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग गलती कर सकते हैं, ज़्यादातर गलती हो सकती है। डिवाइन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति,
जो भगवान की शक्ति होती है, डिवाइन पावर जो होती है, उसका यहाँ पर हमें सिनोनिम पता करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन है अर्दी, ऑप्शन बी है रॉयल, ऑप्शन सी है हेवनली, ऑप्शन डी है स्पिरिचुअल। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बहुत कन्फ्यूज़न होगी। अब ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन डी है हमारा स्पिरिचुअल, जिसका मीनिंग होता है आध्यात्मिक, मतलब कि जो हमें भगवान से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है कि डिवाइन, जो ईश्वर शक्ति है, जो गॉड की पावर है, उसका सिनोनिम हमें पता करना है, ना कि जो भगवान से हमें जोड़ता है उसका हमें पता करना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी, हेवनली। बाकी के अगर ऑप्शंस की तरफ फिर भी आप लोग गए, तो रॉयल का मतलब आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा राजसी, बहुत ज़्यादा राजी काइंड ऑफ। और बात करें अगर अर्दी की, तो अर्दी तो उसका सिनोनिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्द का मतलब होता है जो पृथ्वी है, मतलब कि सांसारिक। अच्छा, एक बात और समझो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गलती हो रही है, तो स्टिल नथिंग टू वरी, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर चीज़ें सीखने आए हैं, वो कैब का काम कोई रटने का नहीं है। यहाँ पर बात सिर्फ बनेगी तो प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग से, सारा खेल उसी का ही है, और वो काम हम करेंगे ही। तो जब भी वीडियो अपलोड हो, तो आप लोग सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एज पर इट्स कॉन्टेक्चुअल यूसेज। तो हमें यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल यूसेज पता करना है अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सेंटेंस को, आखिर सेंटेंस कहता क्या है, जब ही तो अंडरलाइन वर्ड का हम कॉन्टेक्चुअल यूसेज पता कर पाएंगे। तो सेंटेंस कहता है द स्पोर्ट वाज ट्रेडिशियस एंड फिजिकली डिमांडिंग, मतलब कि जो स्पोर्ट था ना, जो खेल था, वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग था, इसलिए तो वो थक गया। फिजिकली डिमांडिंग था, ज़्यादा मेहनत वाला था, इसी वजह से वो इंसान थक गया। तो यहाँ पर जो थकान है, जो ट्रेडिशियस है, उसका जो सिमिलर मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल जो उसका मीनिंग है, यूसेज है, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊँ, तो जो यहाँ पर वर्ड है ट्रेडिशियस, इस वर्ड का जो सेंटेंस में यूज हुआ है, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, वो आपको ऑप्शंस में से पता करना है। अब जो ये वर्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाला वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, उसका यूसेज बताना है, मतलब संदर्भ में इसका क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन नंबर वन है डेजर्टेड, ऑप्शन नंबर बी है सैड, ऑप्शन नंबर सी है बोरिंग, और ऑप्शन नंबर डी है इंटरेस्टिंग। यहाँ मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो स्पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा थकान वाला था, बहुत ज़्यादा थकान देने वाला था, बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग था। अब वो स्पोर्ट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशियस इसलिए लगा, बहुत ज़्यादा थकाने वाला इसलिए लगा, क्योंकि वो स्पोर्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग था। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्ज्यूट। मतलब यहाँ पर आपको एक्ज्यूट का अपोजिट मीनिंग बताना है, जो उसका उल्टा होगा। अब पहले हमें एक्ज्यूट का सिनोनिम पता होना चाहिए, मतलब उसका सिमिलर मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका उल्टा पता लगा पाएंगे कि उसका अपोजिट क्या होगा। तो एक्ज्यूट का जो मतलब होता है रिसाव, मतलब जो पानी का धीरे धीरे रिसाव होता है, या कह सकते हैं पसीजना, तो उसको कहते हैं एक्ज्यूट। अब इसका हमें एंटोनिम, मतलब उल्टा पता करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं और फिर पता करते हैं। ऑप्शन वन है लीक, ऑप्शन बी है एब्जॉर्ब, ऑप्शन सी है गिव, और ऑप्शन डी है रिलीज। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लगाने की ज़रूरत है। एक्ज्यूट जिसका मतलब होता है रिसाव, या फिर कोई पानी अगर पसीज रहा है, टपक रहा है कहीं से, तो उसका उल्टा क्या होगा, कि वो एब्जॉर्ब कर ले, किसी चीज़ को सोख ले। ठीक है, जहाँ से पानी का रिसाव होना बंद हो जाए, तो अब्सॉर्ब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के सभी ऑप्शंस एक्ज्यूट के सिनोनिम्स हम कह सकते हैं, उससे मिलते जुलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपका कंटेंशियस, इसका हमें सिनोनिम, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिमिलर वर्ड पता करना है। तो जो कंटेंशियस होता है, उसका मतलब होता है विवादास्पद, मतलब कि झगड़ा, या फिर किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि आखिर इसका सिनोनिम क्या होगा। तो ऑप्शन वन है काम, ऑप्शन बी है लवली, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रोवर्सल, और ऑप्शन डी है स्वीट। तो जो कंटेंशियस हमारा वर्ड है, उसका सिनोनिम क्या होगा?
कंटेंशियस में आप लोगों को बता चुकी हूँ, डिसएग्रीमेंट, झगड़ा या किसी भी प्रकार का विवाद करना। तो इसका सीधा सीधा हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसका अपना मीनिंग भी झगड़ा या किसी भी प्रकार का विवाद करना उसका मतलब होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे इंग्लिश वोकैबुलरी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिनोनिम और एंटोनिम्स के थ्रू। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर ज़रूर बताएं, साथ ही साथ शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।